फ्रेंड्स, हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स रिलेटेड टू करंट सर्विसेज। करंट सर्विसेज के लिए हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स क्या हैं, जिसको बोला जाता है डेट ऑफ सर्विस। सो ये 18 नंबर पर फिल करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स रिलेटेड टू करंट सर्विसेज, एंटर द डेट ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज इफ़ द सर्विसेज बिल्ड आर रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। If the patient has not been discharged, leave the discharge date blank. Means जब भी कोई patient inpatient होता है, so उस condition में जो admit date है और discharge date है, that should be filled on the CMS 1500 form. और inpatient के लिए already मैं बता चुका हूँ, जो place of service होती है that is 21, और outpatient के लिए place of service होती है 22, एमरजेंसी के लिए प्लेस ऑफ सर्विस होती है 23, और अर्जेंट केयर के लिए प्लेस ऑफ सर्विस होती है 20, और प्लेस ऑफ सर्विस 11 होती है फॉर द ऑफिस विजिट, 02 होती है फॉर द टेली हेल्थ सर्विसेज। सो ये जनरल क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी पूछते हैं कभी कभी। सो उस बारे में अलग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो यहाँ पर बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स। सो हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स बिल्कुल आपको एक्चुअल एंटर करना है, क्योंकि इसमें कभी कभी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, सो उसकी वजह से क्लेम पर डिनाइल आ जाते हैं। नेक्स्ट सीएमएस फॉर्म है। सीएमएस फॉर्म फ्रेंड्स बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए अटैच कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिमेंबर रहे, बार बार देखने से आपको, क्योंकि जो बॉक्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि किस बॉक्स पर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है।